हेलो एवरीबॉडी, आई वेलकम यू ऑल वंस मोर इन माय चैनल कलोनिया इंग्लिश क्लासेस। तो मैं फटाफट वोकैबुलरीज में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं, और जो सीरीज़ में हमने शुरुआत की थी उसी के अंदर हम कुछ नए वोकैबुलरीज को आज ऐड करने वाले हैं। तो आज के दिन मैं आपके सामने कुछ नई वोकैब्स लेकर आया हूँ। तो जिसमें से पहली वोकैब है मल्टीफेरियस, एंड द नेक्स्ट वन इज़ मेरियड, इन ऑर्डर टू, बी सपोज टू एंड बी एक्सपेक्टेड टू। तो बिना किसी देरी के वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। तो देखिए, मल्टीफेरियस, एम यू एल टी आई एफ ए आर आई ओ यू एस, मल्टीफेरियस। मल्टीफेरियस का मतलब होता है तरह तरह के, मतलब जब आप ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मतलब टाइप्स हैं, या बहुत सारी चीज़ें, नाना प्रकार की चीज़ें हैं, तो उसके लिए आपने यूज़ करना है मल्टीफेरियस। इसको हम एक सेंटेंस के साथ भी समझ सकते हैं। देखिए, इंडिया इज सच कंट्री वेयर वन कैन एक्सपीरियंस मल्टीफेरियस कल्चर्स एंड लाइफस्टाइल्स। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर हर कोई इंसान बहुत सारे कल्चर्स को और लाइफस्टाइल्स को एक्सपीरियंस कर सकता है। तो मल्टीफेरियस एक अच्छा वर्ड है, आप इसको यूज करें। तो लीजिए बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की, मिरियड। तो ये जो वोकैबुलरी है मिरियड, इसका मतलब होता है बेशुमार। और इसको हम बोल सकते हैं बहुत सारा, बहुत सारा, या फिर असंख्या, असंख्या। ठीक है, जब आपके पास बहुत सारी चीजें होती हैं उसके लिए आपने मिरियड वर्ड का यूज करना है। देखिए, मल्टीफेरियस और मिरियड में फर्क होता है। मल्टीफेरियस के अंदर क्या होता है, आपके पास बहुत सारे टाइप होते हैं, ठीक है, तरह तरह के, नाना प्रकार के, मतलब यहां पर टाइप्स की बात की गई है मल्टीफेरियस। और मिरियड जो होता है वो होता है बेशुमार, मतलब जब आपके सामने नंबर ऑफ चीजें होती है, बहुत सारी आइटम्स होती हैं, बहुत सारी मतलब प्रोडक्ट्स होते हैं, या बहुत सारी कोई भी चीज होती है, वहां पर आपने मिरियड वर्ड का यूज करना है। एग्जाम्पल देखिए, पीएम मोदी सेड दैट इंडिया ऑफर्स मल्टीफेरियस जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड मिरियड ऑप्शंस फॉर इन्वेस्टमेंट। तो यहां पर मिरियड वर्ड मैंने यहां पर सेंटेंस में यूज किया है। तो यहां पर कहने का मतलब यह है, पीएम मोदी ने कहा कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है, इंडिया ने बहुत सारी जॉब्स, मतलब अलग अलग प्रकार की जॉब अपॉर्चुनिटीज दी हैं, ऑफर की हैं, और ढेर सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास इन्वेस्टमेंट को करने के। तो यहां पर मिरियड जो है उसका मतलब हुआ असंख्य, बहुत सारे, राइट। तो ये वर्ड याद रखिए। नेक्स्ट चलते हैं इन ऑर्डर टू, इन ऑर्डर टू। देखिए गाइज, इन ऑर्डर टू का मतलब होता है के लिए। जब हम बोलते हैं कि आई हैव टू वर्क हार्ड इन ऑर्डर टू, तो यहां पर मतलब हुआ के लिए, ठीक है। गेन गुड परसेंटेज, अगर मुझे अच्छी परसेंटेज लेनी है उसके लिए I have to work hard, मतलब I have to work hard in order to gain good percentage. मुझे काफी कठिन मेहनत करनी पड़ेगी अच्छे percentage लेने के लिए। तो आगे हम चलते हैं be supposed to. देखिए, be supposed to का मतलब क्या होता है, जब आप मतलब देखो, उम्मीद करना या फिर आशा करना, अब उम्मीद करना या आशा करना, इस सेंटेंसेस का बहुत बार यूज करते हैं। और इफ यू रियली वांट टू इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल, स्पोकन इंग्लिश एंड राइटिंग स्किल्स, दीज वर्ड्स वोकैबुलरीज आर वेरी कॉमन, ओके, बहुत ज्यादा यूज होती है। इसलिए मैं आपके लिए ये जो झटपट वोकैबुलरी सीरीज है मैंने शुरुआत की है, ताकि हम लोग अपनी कम्युनिकेशन को, अपने राइटिंग स्किल्स को काफी अच्छे लेवल तक ले जा सके। तो देखिए, बी सपोज टू, मैं बात कर रहा हूं बी सपोज टू, तो यहां पर मतलब हुआ, एक सेंटेंस के साथ समझते हैं। देखिए पहले सेंटेंस को, राम इज सपोज्ड टू कम होम एट 8 o'clock, मतलब यहां पर कहने का मतलब यह है कि राम से उम्मीद की जाती है, या राम के आने की जो मतलब आशा है कि राम 8 o'clock तक घर आएगा, राइट। अगला सेंटेंस देखिए, यू आर सपोज टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, मतलब तुमसे आशा की जाती है, तुमसे उम्मीद की जाती है कि तुम अपने पेरेंट्स के रिस्पेक्ट
करोगे या करते हो। इसी प्रकार से एक और वोकैबुलरी है जो कि ये दोनों सिमिलर है, ठीक है, इन दोनों का यूज लगभग सेम होता है, लगभग सेम होता है, अप्रोक्सीमेटली। तो बी एक्सपेक्टेड टू को भी आप लिख सकते हो उम्मीद करना एंड आशा करना। तो अब देखिए बी एक्सपेक्टेड टू, इसका यूज करना भी सीख लेते हैं। यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू एग्री विद आर्ग्यू विद योर मदर, मतलब कि तुमसे आशा नहीं की जाती कि तुम अपनी माता के साथ आर्ग्यू करो, अपनी माँ के साथ बहस करो। तो यहां पर एक्सपेक्टेड टू का यूज किया गया। देखिए आ का मतलब बी होता है, मैं आपको अभी बताता हूं आगे। तो एक सेंटेंस और देखते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे फर्दर। ही इज एक्सपेक्टेड टू कम होम लेट, उससे उम्मीद की जाती है कि आज वो घर थोड़ा लेट आएगा। देखिए गाइज, एक चीज आप सोच रहे होंगे कि यहां पर मैंने बी का यूज किया है और मेरे किसी भी सेंटेंस के अंदर बी नहीं आया। देखिए बी का मतलब यहां पर ये नहीं होता, बी एक्चुअली कितने प्रकार का होता है मैं आपको डिटेल में बताता हूं कि बी का मतलब क्या होता है और बी को यूज कैसे किया जाता है। तो देखते हैं, देखिए बी जो होता है, अगर हम मैं यहां पर लिखता हूं बी, तो बी का यूज हम प्रेजेंट के अंदर करते हैं, तो इसको हम इज एम और आ के रूप में लिखेंगे, इज एम और आ। अगर हम इसको पास्ट में यूज करते हैं, तो कहने का मतलब यह हुआ कि जो बी है इसका यूज अगर मैंने प्रेजेंट में करना है तो मैंने इज एम आर के रूप में करना पड़ेगा। मतलब कि अगर बी प्रेजेंट के अंदर आएगा तो ये इज एम और आ इन तीनों के रूप में आएगा, और अगर इसको पास्ट में अगर यूज करते हैं तो देखिए, तो हम इसका यूज करेंगे वॉज एंड वर के साथ। और इफ आई नीड टू यूज बी इन फ्यूचर, सो बी कम्स इटसेल्फ, फ्यूचर के अंदर बी खुद आ जाता है। तो यहां पर फ्यूचर में बी का यूज विल, शैल, वुड, मे एंड ऑफ कोर्स माइट के साथ भी हम यूज कर सकते हैं। तो इन सब के साथ बी का यूज हम कर सकते हैं। तो गाइस जैसे मैंने वो कैब बताई थी, बी सपोज टू, तो इसका यूज कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक सेंटेंस में लिख के बताता हूं आपको, देखो ये सेंटेंस मैंने लिखा, इसका मतलब क्या हुआ, यू आ, यहां पर आ का मतलब हुआ बी, ठीक है, आ का मतलब क्या हुआ बी, बट इसका यूज मैंने प्रेजेंट में किया है। यू आ सपोज टू स्टडी हार्ड, तुमसे उम्मीद की जाती है कि तुम बहुत ज्यादा अच्छी मेहनत करोगे। इसी को आप पास्ट में भी लिख सकते हो, जैसे यू व सपोज टू वर्क हार्ड, कि तुम कठिन मेहनत करते, ठीक है, पास्ट के अंदर। यहां पर भी बी का यूज हुआ है, मगर इसमें और इसमें फर्क क्या है कि आ जहां पर आता है होता तो ये भी बी है और वर्ब भी बी होता है, बट डिफरेंस क्या है कि यहां पर हमने प्रेजेंट के अंदर बी का यूज किया है, एंड बी कम्स इन प्रेजेंट एज इज एम एंड आ, एंड इन पास्ट इट कम्स एज वॉज एंड वर। और इफ आई नीड टू यूज बी इन फ्यूचर, सो बी कम्स इटसेल्फ, जैसे विल और शैल बी के साथ यूज होगा, मतलब विल और शैल, वुड, मे, माइट, इसके अलावा शुड, कुड, इन सब के साथ यूज कर सकते हैं, जो कि फ्यूचर की पॉसिबिलिटी के अंदर हम यूज कर सकते हैं। तो यहां पर हमने डिस्कस किया बी सपोज टू। तो गाइज विद दैट आई एम सपोज टू एंड माई लेक्चर, एंड प्लीज डू कमेंट ऑन लाइक कमेंट मी, और कमेंट करके मुझे बताइए कि मेरे जो लेक्चर्स हैं, जो फटाफट वोकैबुलरीज मैंने शुरू किया है ये, तो ये किस प्रकार की आपको लगती हैं, और आपको आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है, आपका जो राइटिंग स्किल है, क्या उसके अंदर मैं आपकी किसी प्रकार से कोई हेल्प कर पा रहा हूँ या नहीं। सो गाइज आई एम सपोज टू टेक योर लीव नाउ, थैंक यू।